जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आइडिया पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि BSPCL का एग्जाम अक्टूबर लास्ट में आपका होने वाला है, तो उस अनुसार आप लोग का तैयारी लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा। आप लोग जो सिलेबस है वो कवर कर ही लिए होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नया प्रयास करने वाले हैं। देखते हैं आप लोग जो जैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिसमें अब हम क्या करेंगे कि प्लेटफॉर्म से जितने भी चैप्टर हैं टेक्निकल का, सबका स्मरणीय तथ्य क्विक रिवीजन के रूप में आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं, जिससे कि अगर आप लोग सब चीज़ पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि अब जैसे कि सिलेबस पूरा हो जाने के बाद क्या होता है कि इंसान थोड़ा लेजी हो जाता है अपने तैयारी के प्रति, आगे पढ़ रहे हैं और पीछे फिर भूल जा रहे हैं। तो उसी के लिए डेली 5 से 10 मिनट का क्विक रिवीजन का सेशन रहेगा साथियों। तो आइए देखते हैं, आज हम इल्यूमिनेशन का क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दृष्टिगोचर होने वाला रंग पीलापन के लिए हरे रंग का होता है, जिसे कलई कहते हैं। एक लुमेन बराबर 0.0016 वाट होता है, वहीं एक लुमेन बराबर 12.57 CP होता है। 1 CP यानी कि कैंडेला पावर बराबर 0.0201 वाट होता है। प्रत्यक्ष प्रकाश हेतु यानी कि डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान 0.4 से 0.6 तक होता है। वहीं इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर का मान 0.1 से 0.5 तक होता है। कार्बन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कार्बन का कार्यकारी जो तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होने लगेगा, कार्बन क्या हो जाएगा, बाष्प बन जाएगा, और बाष्प बन जाएगा तो लैंप के अंदर का जो भाग हो जाएगा वो काला हो जाएगा। कहते टंगस्टन तंतु में शुद्ध फिलामेंट का गलनांक जो होता है 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस भरे लैंपों में 0.6 प्रति कैंडल विद्युत शक्ति खर्च होता है, यानी कि 0.6 कैंडल शक्ति का पावर खर्च होगा किसके लिए, तो गैस लैंप के लिए। कहते कार्बन तंतु का लैंप जो होता है 3 से 4 वाट प्रति कैंडल खर्च करता है। निर्वात लैंपों में 1.2 वाट प्रति कैंडल शक्ति खर्च होता है। तो गैस भरे लैंप में कितना, 0.6 प्रति कैंडल शक्ति। कार्बन तंतु लैंप में 3 से 4 वाट प्रति कैंडल खर्च होता है। वहीं निर्वात लैंप में 1.2 वाट प्रति कैंडल शक्ति यानी कि कैंडेला पावर खर्च होता है। कहता आर्क लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सिनेमा हॉल में तथा प्रकाश गृह में तेज प्रकाश के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं मरकरी बाष्प लैंप जो होता है उसका सहायक इलेक्ट्रोड के साथ 250 से 400 वाट तक बनाए जाते हैं। सहायक इलेक्ट्रोड जो होता है मरकरी बाष्प लैंप का 250 से 400 वाट तक। नियॉन ट्यूब का इलेक्ट्रोड जो होता है 2 KV से 6 KV तक कार्य करता है। नियॉन इलेक्ट्रोड लैंप जो होता है वो 2 KV से 6 KV पर कार्य करता है। जीएलएस लैंप यानी कि जनरल लाइटिंग स्कीम, यानी कि आप इनकंडेंसेंट लैंप कह सकते हैं। तो इसका सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर जीवन काल क्या होता है, घट जाता है। नियॉन लैंप को कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। कहते जीएलएस लैंप की ल्यूमिनस दक्षता जो होता है वो कितना होता है, 10 से 18 वाट तक। तो देख लीजिए, जीएलएस लैंप का अगर सप्लाई बढ़ाएंगे तो जीवन काल क्या होगा, घट जाएगा, बहुत कम होता है। उसके बाद आपका है कि सोडियम लैंप है तो ज्वलन वोल्टेज कितना होता है, 400 से 600 वोल्ट। सोडियम वेपर लैंप का जो जो ज्वलन वोल्टेज होता है कितना होता है, 400 से 600 वोल्ट। सोडियम बाष्प लैंप में प्रयुक्त तो ऑटो ट्रांसफार्मर का क्षरण प्रतिघात उच्च होता है। सोडियम वेपर लैंप जो होता है उसका ऑटो ट्रांसफार्मर का जो लॉस होता है वो उच्च होता है। कहता फ्लेशर बल्ब स्टार्टर में प्रयोग किए जाने वाले हीलियम भरे लैंप जैसे होते हैं, जिसकी विद्युत वहन क्षमता प्रायः 300 mA तक होती है एवं इसकी रेटिंग 5 वाट तक होती है। जैसे फ्लेशर बल्ब हो गया, स्टार्टर में प्रयोग किया जाने वाला हीलियम भरा लैंप होता है, इसका विद्युत वहन क्षमता 300 mA तक होता है और इसकी रेटिंग 5 वाट तक होती है। अब आप आ जाए समा
फ्लेशर बल्ब का धारा मान एक बल्ब की धारा मान का 4 गुना होता है। फ्लेशर बल्ब का जो करंट का मान होता है वो एक बल्ब के करंट के मान का 4 गुना होता है। समांतर पथ में जुड़े कई बल्बों को यह नियमित नियंत्रित करता है। इसके साथ सभी बल्ब श्रेणी में जुड़े होते हैं, यानी कि फ्लेशर बल्ब जो होगा वो क्या होता है, समांतर में जुड़ा होता है कई बल्बों के साथ, और इसके साथ सभी बल्ब श्रेणी में जुड़े होते हैं। समांतर पथ में बहुत सारा बल्ब जोड़ दिया जाता है और उसके श्रेणी में कई जो बल्ब होता है फ्लेशर के श्रेणी में जुड़ा होता है। कहते घर के बाहर लगाए जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन क्षमता इंग्रेशन प्रोटेक्शन रेटिंग IP65 होता है। कहते यह रेटिंग बाहर लगे उपकरण को भारी वर्षा और तेज हवा के झोंकों से भी संतोषप्रद दक्षता को प्रदर्शित करता है, यानी कि तेज हवा और झोंकों से बचाता है, बारिश से धूप से ये बचाता है बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक उपकरण को। अब कहता है कि स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग करते हैं। स्वचालित वाहन की जो प्रकाश व्यवस्था रहेगा उसमें कम वोल्टेज वाले लैंप का प्रयोग करता है। नियोन लैंप गैस जो विसर्जन प्रभाव पर आधारित है, नियोन गैस लैंप विसर्जन प्रभाव पर आधारित है। अब देखिए कहता घरों के में आवश्यक प्रदीपन मान 60 से 70 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि घर के लिए आवश्यक ल्यूमिनस पावर कितना होना चाहिए, 60 से 70 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं अगर कहता है प्रीसियस कार्य के लिए, जैसे कि सिलाई करना हो बुनाई करना हो, तो प्रीसियस कार्य के लिए प्रदीपन स्तर 500 से 600 लक्स होना चाहिए, लक्स यानी कि लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। चंद्रमा के प्रकाश के कारण प्रदीपन स्तर 0.3 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कहता भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण उच्च प्रेरक हाई इंडक्टेंस होता है जो परिपथ में विद्यमान होता है। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाएंगे तो ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगा। एक नियोन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता ट्यूब की लंबाई पर निर्भर करती है। एक नियोन ट्यूब के प्रचालन के लिए जो भी है आवश्यक वोल्टेज है उसके लंबाई पर डिपेंड करेगा कि उसका कितना लेंथ है, उसी अनुसार उसका वोल्टेज डिफाइंड होगा। प्रकाश द्वारा प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के साथ चलता है। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नली अधिक प्रकाश देती है। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नली जो होता है वो अधिक प्रकाश देती है। प्रदीप्त दीप की शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित यानी कि कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, जो शक्ति गुणांक 80% हो जाता है, यानी कि 0.8 लीडिंग। नाइक्रोम का प्रयोग फिलामेंट के रूप में नहीं करते हैं क्योंकि इसका गलना कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस, तथा यह कम प्रकाश व उच्च ऊष्मा प्रदान करता है। देखिए नाइक्रोम जो है कम प्रकाश उच्च ऊष्मा देता है, जबकि टंगस्टन कम ऊष्मा अधिक प्रकाश देता है। घर में पंखे एवं लैंप समांतर में जोड़े जाते हैं जबकि सुरक्षा फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। घर में जो भी उपकरण लगाते हैं, जैसे अगर लैंप लगाना है या फिर पंखा लगाना है, तो ये सब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, लेकिन जो आपका फ्यूज लगाया जाता है वो लाइव वायर में लगाया जाता है और श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। लाइव मतलब जिससे तो मरकरी एक सिल्वरी व्हाइट लिक्विड मेटल है या उष्मा का कम परंतु विद्युत का अच्छा चालक होता है। मरकरी एक सिल्वरी व्हाइट लिक्विड मेटल है जो उष्मा का कम परंतु विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसकी परमाणु संख्या 80 और संकेत HG होता है। HG को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चौक सर्किट के पावर फैक्टर को 98% तक बढ़ा देता है। कहते सबसे नवीनतम प्रकार की फ्लोरोसेंट लैंप रैपिड स्टार्ट लैंप है। इनकंडिसेंट लैंप के पास फेज एवं न्यूट्रल दोनों कनेक्शन होते हैं। दुधिया लैंपों की भीतरी सतह पर सिलिका पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। कहते इनवर्स स्क्वायर लाओ नियम प्रकार करने वाले फोटो मापी मैक्थ्यूस एल्यूमिनीमीटर है। एडिशन स्क्रू प्रकाश के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार हिस्से को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ना चाहिए। कहता कि जब प्रदीप्ति लैंप जलता बुझता है, लगातार मतलब कि लाइट आ रहा हो जा रहा हो जलता बुझता है, तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, अन्यथा वो फ्यूज हो जाएगा। अब कहता किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में हेडलाइट में
दो तार होते हैं। नियोन लैंप के 12 मिलीमीटर व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा 20 मिली एम्पियर होती है। नियोन लैंप के 12 मिलीमीटर व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा 20 मिली एम्पियर होती है। तो इतना ही था साथियों, ये आपका इल्यूमिनेशन का शॉर्ट रिवीजन था। इसको आप लोग एक से दो बार देख लीजिएगा, तो जो भी आपका एक दो छूट गया होगा वो आपका इसमें मैनेज हो जाएगा। फिर अगले दिन मिलते हैं नए टॉपिक के साथ साथियों। थैंक यू।